आज सुंदरावली गांव की सुंदरी, उसको लेकर के यहाँ जो तबीयत ख़राब के लिए एडमिट कर रखा, उसको मैंने खुद पूछा कि आपको तबीयत ख़राब हुई है? उन्होंने खुद बोला कि मैडम मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप मुझे अपने बच्चों के पास लेके जाइए। मैं खुद मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं बहन को इनके बच्चों के पास छोड़ती हूँ, क्योंकि वो बहुत काफ़ी दिन से यहाँ पर जो इन्होंने बंधक बना के रखा है ये बहुत सरासर गलत है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी जिस तरीके से मैं लेके गई थी, इन्होंने मेरे ऊपर जो एक हमला करा कि मुझे पकड़ना और हाथ में भी मेरी लगी है और चैन भी मेरी गिर गई है, और एक लेडीज को इस तरीके से नहीं पकड़ सकते आप, मुझे छोड़िए जो हमारी देश में वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं, राजस्थान में सभी जगह वीरांगनाओं को सम्मान करते हैं, उनके हाथ को पकड़ते और इस तरीके से खींचा कि ये कहाँ तक का कानून है? क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर जब वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए तैयार है, तो कौन सी किताब में लिखा है कि कोई अपनी मर्जी से कहीं भी इलाज नहीं करवा सकता? अगर उसको कुछ दुख है तो पहली बार तो उसको दुख ही नहीं है, तो किस बात का यहाँ पर बंधक बना के रखा है? मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप लोग जब रिस्पेक्ट के साथ मैंने बोला कि उसको उसके बच्चों के पास जाने दीजिए, डॉक्टर्स ने देखा, अभी मैंने खुद भी रिपोर्ट देखी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैम, सरकार का प्रशासन पर ऐसा क्या दबाव है? सरकार का प्रशासन पे जो आप देख रहे हो, इधर देख लीजिए कितनी तैनात लगा गई, उसका क्या कारण है? कारण ये है कि जिस तरीके से राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध हो ही रखा था और अत्याचार कर रखा था, आज पहली बार सुना है कि वीरांगनाओं के ऊपर भी अत्याचार कर रहा है, उनको बंधक बना के रखा है, जो देश के लिए अपनी जान देते हैं शहीद, उनकी वीरांगनाओं को इस तरीके से बंधक बना रखा है, सम्मान पूर्वक उनको घर छोड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। धक्का मुक्की में कौन कौन इन्हें चोटिल हुए? धक्का मुक्की में कौन कौन चोटिल हुए? जिस तरीके से आज धक्का मुक्की हुई है, मेरे खुद के भी हाथ में लगी हुई है और मेरे कमर पे भी लगी हुई है, और जो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर जो एक संघर्ष कर रहे हैं, इनको वीरांगनी के भी लगी और हड्डी मेरे हाथ की टूटी हुई है, तो ऐसे थोड़ी होता है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नहीं जाने दिया। कुछ महिलाओं के सोने की चीज भी है, इन्हें खोने की सूचना है? सोने की चैन मेरी खुद की गई है, मेरे पास सुना है।